हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल। तो मैं जितनी बार मॉन्टेज अपलोड करता हूँ या फिर बैकग्राउंड में गेम प्ले यहाँ पे चल रहा होता है, तो बहुत लोग का एक सवाल होता है कि आप कौन सा रिकॉर्डर यूज करते हो रिकॉर्ड करने के लिए गेम प्ले, क्योंकि जो क्लैरिटी आती है या फिर जो स्मूथनेस आती है या फिर जो स्लो मोशन होता है वो काफी अच्छा लगता है यहाँ पे गेम प्ले के अंदर। तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपका रिकॉर्डिंग जो आपने किया होगा वो अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी में होगा। पर स्लो मोशन में क्या है, जितना हाई एफपीएस में आप लोग रिकॉर्ड करोगे आपका गेम प्ले, उतना ही स्मूथ आपका स्लो मोशन होगा जब आप लोग एडिट करोगे उसको। तो उसके लिए ऐसा रिकॉर्डर चाहिए जो हाई एफपीएस में आपको रिकॉर्ड करके दे, वो भी अगर आपके पास हाई एंड पीसी नहीं है फिर भी मिड एंड पीसी में भी चल जाए ऐसा रिकॉर्डर आपको चाहिए। तो एक्जेक्टली ऐसा ही रिकॉर्डर मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें हाई एफपीएस में रिकॉर्डिंग होगी जिससे आप लोग स्मूथ गेम प्ले कर पाओगे और इसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी इतनी हाई नहीं है, आप लोग मिड एंड पीसी में भी इजीली चला पाओगे। और उस रिकॉर्डर का नाम है वंडरशेयर डेमो क्रिएटर। अब इस स्क्रीन रिकॉर्डर की बात मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी करी हुई है और मैं पर्सनली भी यही वाला स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करता हूँ बहुत सारे टाइम, और उसके कुछ रीजन है। वो कौन से रीजन है जिससे मैं यही वाला स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करता हूँ वो सारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो देखना जरूर। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये फ्री वाला स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कैसे करना है। काफी सिंपल है, कुछ ही मिनट में डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ डेमो क्रिएटर की वेबसाइट पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और यहाँ से डाउनलोड करना बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा फ्री डाउनलोड का, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टेंटली यहाँ पे डाउनलोड चालू हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली खाली इंस्टॉल करना है ऐप को, और जैसे आप लोग इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये ऐप को भी यूज करना काफी सिंपल है, मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। तो आपको एकदम सिंपल स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे ऑल इन वन रिकॉर्डर जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको रिकॉर्ड करना है। अगर आपका अच्छा पीसी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा फुल एचडी जाओ, या फिर अगर आपका 4K मॉनिटर है तो आपको 4K भी रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको आपका रिजोल्यूशन नहीं पता कितना है तो यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला जो मोड है उसको सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है, तो इसको आपको ऑन ही रखना है जिससे आपके जो फ्री फायर के अंदर या फिर कोई भी और गेम के अंदर जो साउंड है वो रिकॉर्ड हो पाए। और उसके साथ साथ यहाँ पे माइक्रोफोन का भी ऑप्शन है, माइक्रोफोन से आप लोग जो बोलते हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप लोग वॉइस ओवर करना चाहते हो गेम खेलते वक्त, या फिर आप लोग अपना रिएक्शन भी डालना चाहते हो जब आप लोग किल करते हो, तो उसके लिए आप लोग माइक्रोफोन ऑन रख सकते हो, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी वॉइस। अगर आपको आपकी वॉइस नहीं चाहिए तो इसको आप ऑफ भी रख सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग फेस कैम करते हो, आपके पास वेबकैम है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे, उसको भी ऑन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऊपर सेटिंग्स का आइकॉन भी मिल जाता है जिससे आप लोग कुछ और भी सेटिंग्स कर सकते हो। तो यहाँ पे GPU एक्सेलरेशन का ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो अगर आपके पास अच्छा GPU है तो यहाँ पे इसको एनेबल रखना, अगर नहीं है, अगर इंटीग्रेटेड यहाँ पे GPU है आपका तो यहाँ पे इसको ऑफ रख देना। उसके बाद जो मेन चीज जिसके लिए मैं यूज करता हूँ रिकॉर्डर वो है यहाँ पे फ्रेम रेट, जिसको हम लोग FPS बोलते हैं। तो यहाँ पे जो FPS है वो 120 FPS तक आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। और जैसा कि आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जितना हाई FPS में आप लोग रिकॉर्ड करोगे आपका गेम प्ले उतना ही स्मूथ गेम प्ले रिकॉर्ड होगा, और जब आप लोग स्लो मोशन करोगे तो उतना स्मूथ स्लो मोशन होगा। तो अगर आपके पास अच्छा PC और हैंडल कर पाता है तो यहाँ पे 120 FPS पे ही रिकॉर्ड करना आप लोग, और अगर नहीं होता हैंडल तो आप लोग 60 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें भी काफी स्मूथनेस आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिटी वो आपको हाई रखनी है, अगर आपका पीसी अच्छा नहीं है तो आप लोग नॉर्मल भी रख सकते हो। बस इतना करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है और आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपका डेमो क्रिएटर रिकॉर्ड करने के लिए रेडी है, तो उसके लिए यहाँ पे जो रेड बटन दिख रहा है आपको प्रेस कर देना है, और यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी मिल जाती है F9 और F10, जिससे आप लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट या फिर स्टॉप कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे ऊपर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर यहाँ पे ब्रश कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एरो बना सकते हो, या फिर अगर आप ट्यूटोरियल बना रहे हो तो उसके लिए हेल्पफुल ये चीज। तो इसमें काफी ज्यादा और फीचर्स है स्क्रीन रिकॉर्डर के अलावा भी, जो कि मुझे काफी पसंद है और काफी हेल्पफुल है। और अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया F10 शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे स्टॉप लिखा है वहां से भी स्टॉप कर सकते हो आप लोग। और जो भी यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग अभी किया है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रीव्यू देता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सही रिकॉर्डिंग हुआ तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आप लोग कर सकते हो। और रिकॉर्डर के अलावा यहाँ पे वीडियो प्रेजेंटेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे डेमो क्रिएटर की हेल्प से, जिनमें इनके खुद के AI अवतार भी आपको हेल्प करेंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे वीडियो एडिटर भी मिल जाता है खुद का, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फीचर रिच है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी ग्लिम्स दिखा देता हूँ। और यहाँ पे डेमो क्रिएटर का जो एडिटर है वो भी मुझे काफी पसंद है, काफी अच्छा है और काफी ज्यादा फीचर्स है इसमें। तो मैंने सैंपल के तौर पे एक गेम प्ले यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ट्रांजिशन फ्री में मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हो। और कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे यूज करने के लिए आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजिशन एड हो चुका है। और यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ तो ये वाला ट्रांजिशन यहाँ पे आ भी चुका है।
उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, आप लोग इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फिल्टर्स मिल जाते हैं, फिल्टर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसमें भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है और यहाँ पे फिल्टर लग चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो स्टोर मिल जाते हैं, यहाँ पे बीजीएम आप लोग लगा सकते हो, आप लोग जो भी चाहो वो। तो ऑल एंड ऑल इसमें बहुत सारे फीचर्स है, अगर मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको खुद ही डाउनलोड करके चेकआउट करना पड़ेगा एडिटर भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एडिटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो फटाफट जाओ डाउनलोड करो और एंजॉय करो, स्क्रीन रिकॉर्ड रखो। और बस आज के वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।